वेलकम गाइस, कैसे हो? ठीक हो? अभी हम जा रहे हैं रसल खेमा, मेरी छोटी बहन की बर्थडे है, तो हमने सोचा उधर ही मनाई जाए तो ठीक होगी। अभी इस जगह से रसल खेमा शुरू हो गया। यहाँ पे गाइस इतना ऊंचा भी लोगों का मजा आ रहा था। अभी गाइस हम रसल खेमा पहुंच चुके हैं, उस जगह में पहुंच चुके हैं। पौधे ही पौधे, ये काफी जहाँ पे हमारे कजन रहते हैं ना, काफी प्यारी जगह है। देखे अभी पता चलेगा कि फातिमा का बर्थडे कहाँ पे मनाई जाएगी। सारा पौधे ही पौधे, मतलब अच्छी जगह है। एक्शन ये बिल्डिंग्स चेक करें गाइस, ये है वो जगह जहाँ पे हम आते हैं। ये कोने से इधर फातिमा की बर्थडे मनाई जाएगी। अभी हम पहुँचते हैं फातिमा, फिर बात करते हैं। हाँ हम गाइस अभी पहुंच चुके हैं, ये फातिमा सेटिंग हो रही है यहाँ पर के बैटरी से लाइट वगैरह, मतलब सेटिंग हो रही है। साथ में समंदर है, अभी हम समंदर की तरफ आने लगे हैं। फातिमा को केक देके गाइस, गाइस मैं फ्लैश ऑन करता हूँ अभी देखो। तो गाइस अभी लूडो पे टाइम पास हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं है। सामान देते हैं ना, हैप्पी बर्थडे वन करके वो लगाई जा रही है, फुलाई जा रही है। फातिमा भी आ चुकी है। देखो गाइस, ये हुआ एक पच्छू की थी तो देसी जुगाड़ कर दिया जिस पे बारबेक्यू गाइस वो होती है कोयला, वो अभी वो हो रहा है, मजा आ गया था। तो गाइस अभी फातिमा का केक मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा दूं। अभी फातिमा भी आ चुकी है, जब ये आती है ना सारा गेम खराब करते हैं।
गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर केक काटेंगे फातिमा पे। अभी फातिमा केक काटने लगी है। तो गाइस फातिमा ने तो केक काट लिया। पहले उस कमरे की हालात जो हम बैठे थे वो कैसी थी, अब कैसे हो गए देखो गाइस। और अब हम बस जाने लगे, गाड़ी आ रही है। बस अब हम अजमान के लिए, हमारा जब तो वो बारिश आ गई ना तो वो सारी गाड़ियाँ वो बारिश हो। गाड़ियों को पहुंचा चुका था तो इसलिए हम भी अपने अजमान में जा रहे हैं, क्योंकि उधर हमारा पार्किंग है ना तो उधर खड़ा करेंगे, इधर कोई जगह नहीं है क्योंकि इसलिए तो इधर तो गाड़ी पहले से चार गाड़ी है, खराब भी हो तो कहीं लेकर जा ही नहीं सकते, तो इसलिए पार्किंग का थोड़ा मसला होता है। वैसे घर के सामने पार्किंग बहुत ज़्यादा है पर कोई बारिश से गाड़ी बच सके, इसलिए हम अजमान निकल पड़े। 2 बजे अभी 1:20 बज रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। गाइस उस टाइम जो मैं रात के टाइम बारिश का बता रहा था, देखो हमारा तौलिया सारा वो गीला हो चुका है, हर तरफ इतना बारिश हुआ है। देखो तो सारी गाड़ियाँ वो अभी सारी गाड़ियाँ खराब हो चुकी है। शुक्र है कि हम रसल खेमा में नहीं है, अगर हम रसल खेमा में होते हैं ना तो पहाड़ियों का इलाका है तो फिर उधर